अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में दो दिन कबल पेश आए 32 साला शीरीन फातिमा नामी खातून के कत्ल पर आज पुलिस ने शीरीन फातिमा के खातिलों को कर लिया है गिरफ्तार। साउथ जोन DCP ने प्रेस मीट करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। शीरीन फातिमा अपने 6 लड़कियां और 1 लड़के को पालने के लिए शादियों में डांस किया करती थी। इसके शौहर का पहले से ही इंतकाल हो चुका था। अफसर नामी एक शख्स जो पेशे से कैब ड्राइवर है, इसके इनसे ताल्लुकात थे। संडे की रात शीरीन फातिमा प्रोग्राम करके जैसे ही घर वापस आई, इनके साथ अफसर और इनका दोस्त भी मौजूद था। अब आने के बाद इनसे बहस व तकरार हो गई। जैसे ही बहस व तकरार होते ही अफसर ने इनका गला दबाकर वहीं पर शीरीन का कत्ल कर दिया। इसके बाद अपने दोस्त की मदद से शीरीन का स्कॉफ लेकर गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए खातिलों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। संडे नाइट को फलकनुमा PS लिमिट से मुस्तफ़ा नगर में एक खातून की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में उनका मौत हुआ। उस लेडी का नाम है शीरीन फातिमा, 32 ईयर्स ओल्ड, वही मुस्तफ़ा नगर में रहती है। वो फंक्शंस में गाना गाना और डांस करके जीती है। इनके पहले हस्बैंड का इंतकाल हो गया और उसके बच्चे भी हैं, और एक आदमी से वो लिव इन रिलेशनशिप में है, मोहम्मद अफसर, कैब ड्राइवर, चंचलगुड़ा का रहने वाला। और इन दोनों में बहुत दिन से थोड़ा झगड़ा भी हो रहे थे। वो उसको शादी करने के लिए उनको प्रेशराइज कर रही है, वो इनकार कर रहा है। सैटरडे नाइट को लंगर हाउस में एक फंक्शन में गाना गाने के लिए गई, वहाँ से ये अफसर और उनका दोस्त नाहिद दोनों लेडी को वहाँ से पिकअप करके मुस्तफ़ा नगर में लाए, और रात को दोनों के बीच में झगड़ा हुए। इनका मेन एक है कि वो लड़की को वो गाना और नाचना वो छोड़ने का इनका इरादा है, नहीं, लेकिन वो मना कर दी। और दूसरा उनका सस्पिशन भी है कि उसको औरों के साथ भी कुछ रिलेशनशिप है, और इनका लेडी का है कि वो उसे शादी करे। तो इसमें डिफरेंसेस आए इनके बीच में। और उस दिन रात को वो पी के शराब की नशे में उसको गला दबा के पहले बेहोश हो गए, उसके बाद उसको फ्रेंड है जो दोस्त बाहर नायद है उनको भी बुला के और उसकी चुन्नी से गले में डाल के उसको कत्ल किया। इसमें दोनों को गिरफ्तार किए और अभी अदालत में पेश करेंगे। मैंने पहले दूसरी डिफरेंट लाइन बताई, लेकिन जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो बताया कि वो नाइट में वहाँ से फंक्शन हॉल से वहाँ ले गए। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।